तस्वीरें आपको चौंका देंगी एक ये जो तस्वीर देख रहे हैं इस तस्वीर में आपको सऊदी अरब के प्रिंस और अमेरिका के विदेश मंत्री दिख रहे हैं वहीं दूसरी तरफ इस एक तस्वीर को देखिए ये जो बीच में बैठे दिख रहे हैं और मंत्रोच्चारण करते दिख रहे हैं ये है इसराइल के राजदूत भारत में आखिर क्या हो रहा है इसराइल हमास जंग में जियो में बहुत कुछ चल रहा है यूएई ने क्यों नेतन्याहू को कहा कि ये वाली मांग जेलेंस्की से करो जियो में बहुत कुछ चल रहा है जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से मन में ख्याल है की इसराइल और हमास के जंग का क्या हुआ तो अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है पर हाँ ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि इस जंग को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा पर इसी बीच क्या होता है साउथ अफ्रीका पहुंच जाता है इसराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में और साउथ अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पहुंचने के बाद कई सारे देश साउथ अफ्रीका को ज्वाइन भी करने लगते है समर्थन में भी आने लगते है की हाँ जी साउथ अफ्रीका ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है और कौन कौन से देश हैं तो आपको बता दें मालदीव नाम्बिया पाकिस्तान ये सपोर्ट में आ रहे हैं साउथ अफ्रीका के इस केस के लिए स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं जो परमानेंट मिशन है पाकिस्तान का यूएन में जो परमानेंट प्रतिनिधि है स्क्रीन पर आप उनके ट्वीट को देख सकते हैं इन्होंने ये कहा है कि हम साउथ अफ्रीका को जो मूव है उस मूव का हम स्वागत करते हैं और आईसीजे कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट इस पर फैसला ले इसराइल ने जो इलीगल तरीके से ऑक्युपाई करके रखा है फलिस्तीन के टेरिटरी इस पर एक्टिव हो अब देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इस मामले को लेकर क्या फैसला होता है और कहां तक बात बढ़ती है वैसे एक बात बता दूं आपको खबर ये भी आ रही थी कि खुद पाकिस्तान में इस चीज को लेकर मांग उठने लगा था कि दक्षिण अफ्रीका इसराइल के खिलाफ आ रहा है आप क्यों नहीं आ रहे हैं कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के नागरिकों ने अपनी सरकार को पूछना शुरू कर दिया था फिलहाल के लिए ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कौन कौन देश हैं जो अगेंस्ट में हैं? तो आपको बता दें सबसे पहले अमेरिका है जो अगेंस्ट में है और इसराइल खुद भी है इसराइल के राष्ट्रपति ने तो कहा कि इस मुकदमे से ज्यादा क्रूर और बेतुका कुछ भी नहीं है हरजोग ने इजराइल की समर्थन के लिए मना किया इसराइल के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया खैर अब जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक अलग ही कहानी चल रही है और ये कहानी चल रही है सऊदी और ब्लिंकन के बीच में आपको बता दें ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप ये एक बड़ा ही फेमस टेंट है जिस टेंट को कहा जाता है अल उला टेंट और इस टेंट की खासियत क्या है विंटर के समय में यानी ठंड के मौसम में ज्यादातर इस तरीके के टेंट लगाकर ही विदेशी मेहमानों के खास स्वागत में बैठते हैं सऊदी के प्रिंस अब इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए ये जो देख रहे हैं आप तस्वीरें ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जो अब नहीं हैं और ये जब पहुंचे थे सऊदी तो प्रिंस ने इनका स्वागत किया था और इनको अपने तरह के परिधान दिए थे पहनने के लिए और ये जो मोमेंट देख रहे हैं आप मोमेंट देख ही लग रहा है कि दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं खास तौर पर पारंपरिक तरीके से यहाँ स्वागत किया गया था और यहाँ काफी सारे लोगों से पहले भी मिल चुके है सऊदी अरब के प्रिंस और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार कहा जा रहा है कि एक इंटेलिजेंस विभाग भी था अमेरिका का उनके लोगों से भी यहां पर मुलाकात कर चुके हैं ग्राम जिसने कभी कहा था कि मैं सऊदी के प्रिंस को तब तक नहीं मिलूंगा जब सऊदी प्रिंस एम होंगे पर आखिरकार समय के साथ सब बदलता है तो यहाँ पर देखने को मिला ये जो बैठक देख रहे हैं आप ये बैठक शाही अंदाज में ये बैठक हुआ और एक एक बड़ी चीज आपको बता दूं, ये बड़ा ही करीबी बैठक होता है सऊदी अरब के प्रिंस का और विशेष सम्मान जिसे कहेंगे उस तरीके का होता है अब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ब्लिंकन ब्लिंकन के लिए भी इसी तरीके के शाही आयोजन किए गए और आपको बता दें ये जो शाही आयोजन हुआ है इस शाही आयोजन के बाद एक रिजल्ट निकल कर आया है और वो बेहद महत्वपूर्ण है भारत के लिए भी ये खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या रिजल्ट निकल कर आया है तो आपको बता दें इस रिजल्ट में इस स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं सऊदी अरब की तरफ से ये कहा गया है कि गाजा युद्ध एक बार खत्म हो जाए तो हम रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं सऊदी अरब गाजा में युद्ध खत्म होने के बाद इसराइल के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है ब्रिटेन में सऊदी के राजदूत खालिद बिन बंद्र अल सऊद ने मंगलवार को बीबीसी के एक इंटरव्यू में ये बात कही उन्होंने कहा कि फिलहाल दोनों देशों के रिश्तों में कुछ तनाव है लेकिन गाजा में हमास आई के युद्ध खत्म करने के बाद सऊदी अरब और इसराइल के साथ संबंध सामान्य करने की रुचि रखता है हालाकि उन्होंने ये साफ किया की कि सऊदी अरब की फलिस्ती स्टेट बनाने की मांग अब अभी भी है और वो उस पर कायम है अल सऊद ने कहा कि हमारे लिए गाजा का विवाद का अंत होना एक बहुत ही जरूरी है एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी स्टेट का बनना भी जरूरी है और हम सात अक्टूबर के बाद आगे बढ़ रहे हैं रिश्तों को सामान्य करना चाहते हैं। आपको बता दें अब यहाँ पर जैसे ही ये खबर आई है बहुत सारी मीडिया ये कहना शुरू कर रही है कि इसका मतलब है कि यहाँ हमास फेल हो गया और यहाँ पर सऊदी अरब नॉर्मलाइज कर रहा है अपने बिजनेस की इस खबर को देख सकते हैं अब आपके मन में ख्याल आएगा यूएई का क्या हाल है तो आपको बता दें स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप जेलेंसकी से पैसा मांगो आखिर ऐसा क्यों कहा यूएई के प्रेसिडेंट ने दरअसल हुआ यह है कि इजराइल की तरफ से ये कहा गया कि गाजा के नवनिर्माण के लिए अरब देश आगे आए अरब देश यहाँ पैसे लगाए। एक कहा जा रहा है कि ये बातें हुई है जिसके जवाब में यूं ही व्यंगात्मक लहजे में इन्होंने कहा कि ऐसा करना चाहिए उन्हें जेलेंस्की से पैसे मांगने चाहिए जेलेंस्की को जो पैसे वेस्टर्न दुनिया से मिल रहे हैं, वो यहाँ पर खर्च करें और इसको ठीक करें खैर अब इसमें भारत का क्या फायदा है तो आपको बता दें सबसे बड़ी बात है आपको याद होगा आई मैक और ये आई मैक कॉरिडोर का बनना तय है यही माना जा रहा है खैर मैंने आपको एक दूसरी तस्वीर की भी बात कही थी इस वीडियो को देखिए इसराइल के जो राजदूत हैं इसराइल के राजदूत भारत में दिख रहे हैं एक मंदिर में ये प्रार्थना करने गए थे कनक दुर्गा टेम्पल विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश में और ये उसी की तस्वीर है यहाँ पर इन्होंने एक बयान दिया है स्क्रीन पर आप, आप आर्टिकल देख सकते हैं कि इसराइल और भारत नेचुरल अलाय है एक ऐसे पार्टनर है जो की नेचुरल है हाईटेक क्षेत्र में भी और हम दोनों मिलकर यहाँ काम कर रहे हैं आपको बता दें ये चीज भारत के लिए बेहतर है कि यूएई हो सऊदी हो इसराइल हो इनके बीच में रिश्ते नॉर्मल रहें अच्छे रहें ताकि आय में कॉरिडोर बन सके वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ